नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगाई। ज्यादा हैरान नहीं होती जनता भी अब नेताओं को जुबान से पलटता देख और उनकी जुबान को फिसलता देख। लेकिन उत्तराखंड कैबिनेट के कृषि मंत्री गणेश जोशी के बयान का स्तर इतना गिर गया कि कांग्रेस के साथ साथ जनता का मत्था भी फिर गया। कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या बोल बैठे मसूरी विधायक गणेश जोशी, जो बवाल के साथ उन पर सवाल खड़े हो गए, ये आप सुने तो समझ जाएंगे। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और कांग्रेस की बबली दोनों बहुत हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। जहां जहां ये जाते हैं, कांग्रेस समाप्त होती है। और यही नहीं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जैसे ही एक महीने के बाद तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, उस तरह से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। तो कांग्रेस समाप्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। जो लोग वहां से आए थे, अगर उनको सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सिर्फ इसलिए यूज नहीं किया कि उसने हमने सरकार बनानी थी। आज वहां से आए हुए लोग हमारी सरकार में मंत्री हैं, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा, नहीं विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी का नेता है। अमित शाह जी जैसे हमारे नेता हैं, नड्डा जी जैसे हमारे नेता हैं, और यहाँ के समान पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा ने संभाली है, जिसने 6 महीने के अंदर एक संदेश दिया है, जिसका प्रतिबंध है कि आज 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आई हैं। इसीलिए आज लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ कर भाजपा की ओर आ रहे हैं। वाह मंत्री जी वाह। नहीं वाकई, विरोधियों पर हमला बोलो तो ना शब्दों की मर्यादा रखो, ना अपने पद की फिक्र करो। विपक्ष की शानदार भूमिका भाजपा के विधायक निभा रहे हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्री जोशी के ये बोल कहां और कब बिगड़ बैठे, तो पहले ये आपको बता देते हैं और फिर देखते हैं कि जनता ने विधायक के इस बयान को किस तरह से लिया है। दरअसल बीते गुरुवार को गणेश जोशी मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे प्रदेश कांग्रेस में चल रही उठापटक को लेकर सवाल किया। जो मंत्री ने सवालों का जवाब देना शुरू किया, त्यों वो खुद सवालों में घिर गए। जी हाँ, जो बयान अभी आपको सुनाया गया था वो इसी कार्यक्रम के बाद के थे। बेलगाम घोड़े की तरह मंत्री जोशी की जुबान चली तो दो टुक पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और प्रियंका गांधी को बबली कहकर ही मानी। इसके अलावा मंत्री जोशी ने कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया। जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि कांग्रेस के पप्पू और बबली ही काफी हैं कांग्रेस को समाप्त करने के लिए। सबके अलावा गणेश जोशी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक भी भाजपा की ओर देख रहे हैं। चलिए, देखिए, बयानबाजी तो पक्ष विपक्ष में चलती है, लेकिन कांग्रेस को डूबता जहाज कहना और खुद उसमें सवार हो जाना, ये कुछ समझ नहीं आया। विपक्ष को आड़े हाथों लेने के चक्कर में मंत्री गणेश जोशी बुरा फंसे। वजह है उनके बयान से हुई उनकी आलोचना। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता जोशी के बयान से आहत है। इसी के चलते शनिवार को देहरादून में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला दहन भी किया। कहा कि भाजपा के कैबिनेट मंत्री की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। देश की सेवा तथा भारतीय राजनीति में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी परिवार का लंबा इतिहास है। कहा तो ये भी गया कि प्रियंका और राहुल गांधी ने देश सेवा के लिए अपने को समर्पित किया है। अच्छा, मंत्री गणेश जोशी को अगर सिर्फ विपक्ष के रोष का सामना करना पड़ता तो भी ठीक था, लेकिन नहीं, जनता भी सोशल मीडिया पर मंत्री को आड़े हाथों लेती दिखी। कैबिनेट मंत्री और विधायक गणेश जोशी का ये बयान जब से सुर्खियों में आया है, तब से सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली है। स्वाभाविक तौर पर भाजपा के पक्ष में जनता रहती है, इसलिए सत्ता पर पार्टी बैठी हुई है, लेकिन उन्हीं लोगों को कुछ रास नहीं आया विधायक की
ऐसी टिप्पणी करता देखने को मिला कि मंत्री पद की गरिमा भंग करने तक का आरोप लोगों ने गणेश जोशी पर लगाया। तीखे बोल के लिए प्रतिक्रिया तीखी मिली। कुछ ने तो ये भूल कर कि सीजीएम कोर्ट ने गणेश जोशी को शक्तिमान प्रकरण में दोषमुक्त घोषित कर दिया है, इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। कुल मिलाकर गणेश जोशी अपने बयान के चलते कामयाब रहे जनता को नाराज करने में। वैसे अपने मंत्री के कारण पूरी ही भाजपा निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने गणेश जोशी के कांधे पर बंदूक धरते हुए सीधा भाजपा पर हमला बोला। बिना नाम लिए प्रियंका गांधी को बबली कहने पर कहा कि ये पहली बार नहीं है जब भाजपा के किसी नेता ने एक महिला का अपमान किया। इतना ही नहीं, क्योंकि बीजेपी की ओर से अभी किसी तरह का जवाब इस पूरे प्रकरण पर नहीं आया है, इसके चलते भी बीजेपी की ओर से कांग्रेस के समर्थकों की नाराजगी बढ़ी। मामला साफ है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका उतनी ही अहम है जितनी की सत्ता पर बैठे दल की। सियासत भी सम्मान के साथ की जाए यह जरूरी है। खैर, ये सवाल जनता के लिए छोड़ना बेहतर है कि राजनीति में इस प्रकार के निजी प्रहार कहां तक जायज है। अगर एक पार्टी विशेष के समर्थक की भूमिका से हटकर जनता सोचे तो क्या विचार है आपका पूरे मामले में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे सियासत की छोटी बड़ी हर खबर लेकर। तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।